आज मैं आप लोग के सामने ये बड़ी वाली जो मिर्च आती है, शिमला मिर्च की तरह होती है, इसकी एक रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत झटपट बनती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह धो देना है और इसको इस तरह से आपको चीरा लगाना है, आपको दिख रहा है। और इसके अंदर आपको इसके गुत्ती जो बीज होती हैं, उन बीजों को अच्छी तरह से आपको साफ कर लेना है। उसके बाद हमें एक बाउल लेना है। उस बाउल में मैं 1 कप बेसन ले रही हूँ, इसी में 1/4 कप चावल का आटा, आधी चम्मच रोस्टेड जीरा जिसको मैंने थोड़ा सा भून कर इस तरह से कर लिया है, और सौंफ फेनल सीड उसको भी आप थोड़ा सा रोस्ट करके इस तरह से दरदरा कर लें, हल्दी चुटकी भर, लाल मिर्च आप अपने स्वादानुसार लें, क्योंकि ये जो मिर्ची है वो भी थोड़ी तेज हो सकती है, तो मैंने सिर्फ 1/4 टीस्पून ही इसमें रेड चिली लिया है, और नमक स्वादानुसार, इसे भी हमें इसमें मिक्स करना है। इसके बाद इसको इस तरह से आपको हिलाना है और चुटकी भर खाने वाला सोडा आपको इसमें डालना है, और इन सबको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें हमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी इसमें ऐड करना है। हम इसमें पानी देंगे, पानी जो है वो एप्रोक्स जाएगा, मतलब इसका जो पेस्ट है वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जब थोड़ा कोटेड हो। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह का एक होल आपको बनाना है, इस तरह का पेस्ट आपको बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम जो मिर्ची है इसको इसमें डुबो कर गर्म तेल में तलेंगे। मिर्ची को आपको पूरा इस तरह से आपको कोट कर लेना है इस तरह से, और इसे हमें गर्म तेल में तलना है। तेल जब गर्म हो जाए तो हमें इस मिर्ची को इसके अंदर डालकर इसे तलना है। इसे जस्ट आप खाने के पहले इसे बनाएं, और अगर आप पहले तल देते हैं और खाने के समय ये ठंडा हो जाता है तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप इसे तल कर निकाल कर रख लें और सर्व के टाइम पे फिर से एक बार तल लें, ऐसा करने से ये क्रिस्पी बनेगा। देखिए ये मेरा बनकर तैयार हो गया झटपट स्नैक्स, आप कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, आप सभी ट्राई करें इसे। अगर आप इसे स्टाफ बनाना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, पनीर जो है पनीर को थोड़ा क्रम्बल कीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा काजू किशमिश थोड़ी हरी मिर्च काटकर, धनिया काटकर सीजनिंग कीजिए, उस पनीर को इसके अंदर स्टफ करके फिर इसी बैटर में डीप करके आप फ्राई कीजिए, तो आपका स्टफ चिली फ्राई बन जाएगा। ये मेरा एक सिंपल चिली फ्राई है जो सभी का फेवरेट है, और बारिश के मौसम में तो बात ही इसकी कुछ अलग है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।